Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as multi-disciplinary case studies. Group 3 का ये paper है, open book जो आप जानते हैं. और आज जब हम यहाँ पे discussion start कर रहे हैं, so we gonna talk about all those amendments जो अभी add हुए हैं. वो सारे case law हम एक-एक करके complete करने की कोशिश करेंगे. Chapter wise आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे company law के बारे में बात करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने जितने भी केस लॉज देखे हैं आपको समझ में आए होंगे. आई अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से ये पढ़ाना इजी नहीं था, 300 से ज्यादा केस लॉज हैं और इसको जब हम कर लेंगे तो उससे और कहीं ज्यादा हो जाएंगे. और उस थॉट प्रोसेस की तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये एक तौर पे देखना भी उतना ईजी नहीं रहा होगा, बिकॉज इतना सारा कॉन्टेंट है इसके अंदर. बट जिस तरीके से मैंने समझाया लाइन बाय लाइन एवरी केस, कोई ऐसा एक केस भी नहीं है जो छुड़वा दिया मैंने, एवरी केस. और आज जब मैं अमेंडमेंट के साथ वापस आया हूं तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इससे पहले हम स्टार्ट करें और खत्म कर दें जो केस लॉज कंपनी लॉ के अंदर हैं अमेंडेड तौर पे. वो ये है कि अब हमारे पास सीएस प्रोफेशनल में वी डू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स. एक समय था जब मैं एमडीसीएस कर रहा था एट द वेरी स्टार्ट, आपको इंटरफेस देख के आइडिया लग रहा होगा कि शांतनु भंडारी क्लास हैज रियली ग्रोन अ बिग टाइम एक्चुअली. और जब मैं कर रहा था एमडीसीएस तो आई डिड हैव अराउंड 2 to 3 सब्जेक्ट्स, 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही थे मेरे पास सीएस प्रोफेशनल के. बट वो समय था. और आज का समय है जो मेरे पास अब 9 में से 8 पेपर हैं जो एक तरीके से पूरे फ्लो में हैं. और अब मैंने सोचा है मैं आपसे एक बात इसलिए प्राइवेटली एंड कॉन्फिडेंशली आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, कि अब मैं एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने वाला हूँ. एग्जीक्यूटिव की कंपनी लॉ की हमने प्री बुकिंग करी थी देखने के लिए, बिकॉज मुझे बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं ये वो है और वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, देखते हैं. प्री बुकिंग कोई, मुझे नहीं लगता कोई सीएस प्रोफेशनल की प्री बुकिंग कभी किसी ने सुनी थी मेरे इस बार उसको चीजों को शुरू करने से पहले. पर अब मैंने एग्जीक्यूटिव की प्री बुकिंग करी है और वहां पे भी अच्छी प्री बुकिंग हो चुकी है. और अब इसके बाद जैसे ही अमेंडमेंट्स कंप्लीट होंगे वी गोना स्टार्ट विद द कंपनी लॉ. तो जैसा आपने मुझे सीएस प्रोफेशनल में सपोर्ट किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे वहां पे सपोर्ट करें. मेहनत मैं अपनी तरफ से पूरी करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे. तो चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ द चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग द कंपनी लॉ. और सबसे पहला जो केस लॉ आज हमें डिस्कस करना है, इट इज इन रिगार्ड टू हरी शंकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है. अपील नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल जजेस एम आर शाह, इंदु मेहरोत्रा. और ये डिसाइड हुआ है काफी रिसेंटली 2019 में, 4 जून 2019 को. एक बार मैं 3 लाइनें पढ़ता हूँ जो यहाँ पे लिखी है और उसके बाद मैं एक बार पहले आपको हमेशा की तरह जैसा मैं करता हूँ एक बार जनरली बताऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखा है और फिर हम डिटेल को समझेंगे और मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस भी जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा वो ये सब करने वाला हूँ. तो देखिए क्या लिखा है. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1030 या 130, एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ द अकाउंट्स, ऑब्जेक्शन बाय द एक्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. NCLT allowed the application on appeal. NCLAT concurrent मतलब agree किया. NCLT ने allow कर दिया कि ठीक है company के accounts को reopen करा जाए. और जब सामने वाला जज हरिशंकरन नहीं माने तो ये NCLAT चलेगा. और NCLAT ने भी वही बात पे अपना consent दे दिया yes के तौर पे जो NCLT ने कहा था. तो NCLAT ने NCLT के decision को upheld कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया कि जो लोअर कोर्ट्स ने कहा है वो एकदम सही है. अब आप समझिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 130 के बारे में अगर हम बात करें, कुछ और सेक्शंस को भी हम इन्वॉल्व करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. बट इन शॉर्ट मैटर जो है वो यहाँ पे ये है कि IFLS करके यहाँ पे एक आप शायद देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे कंपनी लिखी हुई है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, दिख रहा है आपको ये. तो ये कंपनी है जिस के थॉट प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि इनके अकाउंट्स को ओपन करने की बात करी गई थी. तो सेक्शन 130 जो है वो ये कहता है कि जनरली इन जनरल अगर कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स है वो बंद, मतलब फाइनेंशियल ईयर हुआ, सब ऑडिट वगैरह हुआ, तो अकाउंट बंद कर दिए, अब नेक्स्ट ईयर पे आ गए हम लोग, तो उसको ओपन नहीं किया जाएगा. ये नॉर्मल प्रोविजन है. पर अगर ऐसा लगता है कि इट इज इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या मे बी ऐसा कोई शक होता है कि यहाँ पे कोई यू नो
पब्लिक ऑफेंस या एक तरीके से फ्रॉडुलेंट डीलिंग हो सकती है, तो फिर एक तरीके से मना भी नहीं है, अकाउंट्स को ओपन किया जा सकता है। मतलब ये है कि ओपन हम नहीं करेंगे, बट इट इज द फैक्ट लाइक इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड के बीच में आप फर्क जानते हैं। प्रोहिबिटेड इज लाइक यू कैन नॉट डू, नोबडी कैन डू दैट। रिस्ट्रिक्शन इज लाइक कि कुछ कंडीशंस है, अगर हम उनको फॉलो कर लेंगे तो आप वो चीजें कर सकेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टेड था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे बात हुई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इस कंपनी जिसको मैंने हाईलाइट किया, इनके अकाउंट्स को ओपन करा जाए और देखा जाए जो अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस चीज को लेके जो डायरेक्टर हैं हरी शंकरन, उनको ऑब्जेक्शन था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस चीज को लेके सबसे पहले एनसीएलटी में बातचीत हुई। एनसीएलटी ने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं लगता, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है या यहाँ पे एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ऐसा करा जाना चाहिए, अनन्य अकाउंट्स को ओपन करा जाना चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हरिशंकरन वहां से तो हार गए एनसीएलटी से, बट वो एनसीएलटी चले गए, वहां पे भी उन्होंने अपनी बात रखी। पर जैसे कि मैंने कहा, एनसीएलटी ने भी वही बात पे अग्री किया जो एनसीएलटी ने कहा। और अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो दोनों लोअर ट्राइब्यूनल्स ने कहा है, विच इज एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, वो एकदम सही है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस की जगह नहीं है। आप समझिए, मतलब अगर मैं एक जनरल बात करूं जो यहाँ पे लिखा है वो हम देखेंगे, बट डरने वाली बात है क्या? मतलब अगर एनुअल अकाउंट्स ठीक है नहीं ओपन करने चाहिए, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, और फॉर श्योर अगर गवर्नमेंट को लग रहा है तो वो ऐसे लग रहा है, मतलब वो इंट्यूशन नहीं हो रही होगी, उसके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस इस चीज को लेके होंगे, तो अगर वो अकाउंट्स को ओपन करना चाहती है तो किसी डायरेक्टर को क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी के मन में अगर डर है तो ही ऐसी चीजें वो कहेगा, अदरवाइज मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी आज चला रहा हूँ, अब मुझे कोई कहे कि मुझे सारे आपके गवर्नमेंट का कोई इंडिविजुअल कहे ऑथराइज कि मुझे आपके अकाउंट्स देखने हैं, तो मुझे क्या डर हो सकता है? अगर मैंने समय पे टैक्स पे किया है, सब कुछ है, तो मुझे किस बात का डर? मैं तो यही मानता हूँ। तो यही चीज यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कही गई और कोर्ट्स की तरफ से, ट्राइब्यूनल्स की तरफ से कही गई, और अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि क्योंकि ये इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, और सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट तो ये कहता है कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट डीलिंग की इंट्यूशन लगती है या कोई फ्रॉडुलेंट डीलिंग को ऐसा लगता है कि छुपाया जा रहा है, तो उस थॉट प्रोसेस पे अगर एनुअल अकाउंट्स ओपन भी करे जाएं या करवाए जाएं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तो इसलिए एनुअल अकाउंट ओपन करे जाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो यहाँ पे नहीं है, बट सवाल ये था कि क्या एनुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर के, उसका आंसर यहाँ पे येस के तौर पर निकला। अब देखिए कि 300 केसेस, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये बात जो है वो डिफरेंस होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग में। जो आपको करना है वो ये कि आपने जैसे मेरी अभी समरी सुनी, आई डोंट नो कि 2 या 3 4 मिनट जब तक मैंने बोला उसके बारे में, जो आपने सुना आपको बहुत ही इजी लगा, और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ये जो आप पढ़ने वाले हैं ये एग्जैक्टली वैसा ही है, इसके अंदर तो कुछ भी और नहीं है, पर हमें पढ़ना पूरा है क्योंकि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप बुक लेके जाने वाले हैं और मैं चाहता हूँ अच्छे मार्क्स से पास हो, आप घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि 2 ओपन बुक रीडिंग है जैसे आप जानते हैं। तो आप शॉर्ट शॉर्ट समरी बना लें जितनी बात मैंने अभी आपसे कही है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। जिन बच्चों के पास अनलिमिटेड व्यूज की क्लास है, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ आप अनलिमिटेड व्यूज ही लें, और इसीलिए मैं रखता भी अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन हूँ। बट कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, एक व्यू में चाहिए, तो जिनके पास जैसे व्यूज हैं उस तौर पे आप देखिए, अगर अनलिमिटेड है तो दोबारा उसको सुनिए और वहां पे नोट डाउन बना लीजिए। स्पीड आप एडजस्ट अब तक करते आए थे, तो चाहे तो मुझे तेज बुलवा सकते हैं, मुझे धीरे बुलवा सकते हैं, जैसा आप चाहें, एट योर सर्विस। चलिए ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में बात करनी अब स्टार्ट करते हैं। लिखा है, फीलिंग अग्रीव्ड एंड डिसटिस्फाइड विद द ऑर्डर डेटेड 31 दिसंबर पास बाय द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, यानी एनसीएलएटी के बारे में बात करी जा रही है। By which the learned appellate tribunal has dismissed the said appeal preferred by the appellant herein. Appellant कौन है यहाँ पे? I'm sure आपने drafting का paper अभी तक clear करा होगा, और अगर नहीं किया है तब भी आप जानते हैं जो court में appeal file करता है वो appellant है, और सामने वाली party जो है वो respondent है, defendant है, इस तरीके से word use किए जाते हैं। Generally plaintiff, defendant, appellant and respondent, इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि हरे कृष्ण जो थे, जब वो एनसीएलटी में हार गए तो माने नहीं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और उन्होंने अपनी बात रखी, और हरी शंकरन जो हैं
ये हरी शंकरन जो है ये एक्स डायरेक्टर है, यानी अभी नहीं है डायरेक्टर फिलहाल के लिए इस कंपनी में जिसका नाम IFLS है, उसमें ये अभी फिलहाल तो डायरेक्टर नहीं है, बट ये एस डायरेक्टर रह चुके हैं कुछ समय पहले। तो वही कहा जा रहा है दी एप्लिकेंट हियर एन एक्स डायरेक्टर ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर टू इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एज ILNFS and has confirmed that the order passed by the National Company Law Tribunal Mumbai bench here in a called as the Learned Tribunal dated 1st of the 1st, yani 1st of the January 2019, by which the Learned Tribunal allowed the said application preferred by the central government under section 130 jo maine aapko abhi bataya subsection 1 and 2 of the Companies Act here and after called as the Companies Act and has permitted recasting. तो NCLT ने और जब ये decision जो था director की तरफ से ex director की तरफ से NCLT ने तो बोल दिया था कि ठीक है central government अगर कह रही है accounts को open करने के लिए तो करे जाना चाहिए, इसी चीज को NCLT ने हाँ में बोल दिया यानी positive बोल दिया। और इसी चीज को जब एक्स डायरेक्टर ने एनसीएलटी में चैलेंज किया तो जैसे कि मैंने कहा वहां पे भी इसको यही कह दिया गया कि जो एनसीएलटी ने कहा है वो एकदम सही है। तो हैज परमिटेड रीकास्टिंग एंड रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ILFS एंड ILFS फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ILFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स द ओरिजिनल एप्लिकेंट इज प्रेफर्ड द प्रेजेंट अपील। तो तीन कंपनी के अकाउंट्स को ओपन करने की बात करी जा रही है जिनके नाम अभी अभी आपने देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके अगर चाहें तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज, ILNFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है हमने एक और कंपनी पढ़ी जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। तो इन शॉर्ट एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और उस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है इन सारे कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं उनको रीओपन करने की बात करी जा रही है जिसको कोर्ट जो है वो फिलहाल अग्री कर चुके हैं। और इस चीज को ना मानते हुए क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपने मेरी प्रीवियस बातें सुनी है तो फॉर श्योर आप जानते हैं एक इंसान की टेंडेंसी है कि वो कभी हार नहीं मानना चाहता, जो कि ठीक भी है, नहीं माननी चाहिए, बट जहां अपनी गलती है वहां तो मान लेने में ही भलाई है। बट हरिशंकर जो भी है नाम क्या है हरी, हाँ हरिशंकरन, वो माने नहीं और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब वहां पे भी देखिए क्या हो गया, अपील जो है वो डिसमिस होगी, रीजंस वही हैं। देखिए अगर आपने मेरी 2 मिनट जो बात मैंने क्रक्स में बताई ना आपने वो समझ ली तो ये पूरा जो अगले 15 मिनट या 10 मिनट इसके अंदर लगने वाले हैं ये आपके लिए सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 मिनट हो सकते हैं, कुछ नया आपको नहीं समझने को मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपके सामने वो जो सारा क्रक्स था वो रख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास कभी फ्री टाइम हो तो मैं MTCS के अच्छे से नोट्स बनाऊं, बट अभी वो नहीं है, बट अगर होगा कभी तो मैं जरूर बनाऊंगा। कोशिश भी करी थी, थोड़ा सा बनाए भी है नोट्स बट वो अभी पूरे नहीं है। एट द आउटसेट तो मांगना मत कि चलो वो ये दे दो जो आधे दूर है वो दे दो, वो किसी के लिए अभी नहीं है। सिर्फ एक जनरल बात आपसे करिए कि मुझे मैसेज करो क्लास के बाद कि सर जितने बनाए उतने दे दो, नहीं है अभी अवेलेबल, ठीक है। एट द आउटसेट इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड दैट By the order that in exercise of the powers of section, समझ गया ना section 130 क्या है कि भाई accounts को open करवाया जा सकता है अगर in public interest लगेगा या ऐसा लगेगा कि भाई by and large यहाँ पे fraudulent transactions हुई हैं तो open कराया जा सकता है। Under section 130 of the Companies Act, the Learned Tribunal has allowed the said application preferred by central government and has directed permitted reopening of the books of accounts and recasting the financials of ILFS and the two other companies. समझ गए ना, two others companies, मैंने तीन का नाम लिया था ऊपर, तो एक है ILNFS और दो जो ऊपर बात करी थी जो फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन वाली है। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स और ये फाइनेंशियल ईयर्स लिखे हैं 2012-13 से 17-18 तक, द ऑर्डर पास बाय द लर्नेड ट्राइब्यूनल हैज बीन अफेक्ट बाय द लर्नेड एपीलेट ट्राइब्यूनल। Therefore, the short question which is posed for consideration before this court matlab Supreme Court, whether in fact and circumstances of the case, can it be said that the order passed by the tribunal is illegal or contrary to section 130? तो अब सवाल इस बात का है, लड़ाई इस बात की है कि जो ये ऑर्डर पास करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा और उस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्राइब्यूनल ने और एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है कि क्या ये जो ऑर्डर्स लोअर ट्राइब्यूनल्स ने पास ऑन किए हैं या यू नो डिक्लेयर किए हैं क्या ये लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, इसका जवाब हमें अब जानना है।
Like on going through the order passed by the learned tribunal, passed to the section 130, it appears that the learned tribunal is conscious of the relevant provision of the fact. Conscious matlab unhe pata hai. More particularly, section 130 of the Companies Act, and more particularly the condition precedent to be complied with, satisfied while directing, permitting reopening of the books of accounts and recasting of the financial statements of the company. तो प्राइमा फेसिया एक वर्ड है जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, विच इज लाइक बाय द लुक्स ऑफ इट या एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा यही लगता है देख के सुन के समझ के जो बात अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने समझी है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर ऑर्डर, जो नॉर्मल प्रोसेस है, और ऐसा लगता है कि जो ट्राइब्यूनल्स ने, लोअर ट्राइब्यूनल्स ने केस को देखा है, समझा है, उन्होंने सारे प्रोविजन को सही तरीके से फॉलो किया है और वो जानते हैं कि सेक्शन 130 जो है उसको ऐसे ही नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता, मतलब ऐसे ही नहीं किसी भी कंपनी के अकाउंट्स खोले जा सकते, कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब है जो मैं अभी काफी बार रिपीट कर चुका हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर ऐसा लगना चाहिए कि फ्रॉडलेंट जिसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई है जिससे पब्लिक इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उन ट्राइब्यूनल्स ने सारे पॉइंट्स जो है वो कंसिडर किए हैं, उसके बाद ही वो इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड by the learned tribunal under section 130 of the Companies Act, it appears that the learned tribunal has considered the preliminary report submitted by ICAI and SFIO. SFIO क्या होता है? Serious Fraud Investigation. अब देखिए बना तो दिया गया है, बट जैसे मैं अगर अपना perspective रखूँ और बहुत अच्छा वो काम भी कर रहा है, बट फिर भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी SFIO के control के से बच जाती है, मैं कहूँ, या फिर निकल जाती है, वो नहीं पकड़ पाते। आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ वो सब चीजें भी इंप्रूव होंगी, बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिड पॉइंट रखते हुए जो इतनी देर से बात कर रहे हैं उसमें अगर एक वैलिड पॉइंट अब सामने आया, कुछ नया जो सामने आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो भाई ट्राइब्यूनल्स ने ऐसा ही कुछ नहीं किया है। बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि ट्राइब्यूनल के तौर पर जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने समझा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन सब लोगों से, यानी ICAI which is Institute of Chartered Accountants of India and Serious Fraud Investigation, इन लोगों से रिपोर्ट मांगी थी कंपनी के अकाउंट्स के बारे में। फॉर श्योर, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर श्योर उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे कि ये नेसेसिटी बन गई, या यूं कह दीजिए जो ये कंपल्सरी इवेंट बन गया कि अकाउंट्स को ओपन करा जाए, बिकॉज शायद इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जो ये इशारा करता है कि अगर ये अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग जो है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है वो देखने को मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कि किसी की नफरत थी किसी से या कि मुझे बदला लेना है तो चलो ऐसे कर दो, उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। आप बहुत बार समझते हैं, एक वर्ड मैंने बोला अभी भी, इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब मुझे लग रहा है मेरे मन में, बट इट इज नॉट अबाउट मेरे मन में क्या लग रहा है, यहाँ पे एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी, अब SFIO से कौन ऊपर हो सकता है, सीरियस फ्रॉड, अब ये तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाई गई है इंडिया के अंदर, तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया आप उसको तो मानेंगे ना, और उसकी रिपोर्ट में अगर लिखा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर और क्या रह जाता है प्रूफ करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, सब कुछ तो उन्होंने किया। So it appears that the learned tribunal has considered the preliminary report submitted by ICAI, SFIO and the observation made in the report and the preliminary reports that thereafter having satisfied that the condition preceded for invoking powers under section 130 stated in section 130 first or second of the Companies Act are satisfied and thereafter the learned tribunal has passed an order allowing the application under section 130 of the Companies Act for reopening of the books of accounts and recasting of the financials of IL and FS and the two other company for the last 5 years. So in short, जो बात मैंने आपसे कही, जो normal process था, उसी को follow किया गया है। Reports मंगाई गई और reports में, अब देखिए ये report हमारे सामने नहीं है और ना ही वो हमारे courts का part है, but जब मैंने इसको पूरा study किया, आप जानते हैं कि अगर मैंने एक भी केस लॉ नहीं छुड़वाया है, इसका मतलब ये है कि मैंने हर चीज को डिटेल में स्टडी किया होगा, तब मैं आपके सामने आया होगा। अब यहाँ पे भी यही चीज है, रिपोर्ट्स यहाँ तो नहीं लिखी हुई, बट जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो उसमें बहुत मटेरियल इररेगुलरिटी मिली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप समझते हैं जिसका फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्ट है कि करना ही करना है, और जिस तरीके से आप IFRS के बारे में बात करते हैं, XBRL के बारे में, नए नए स्टैंडर्ड्स आते जा रहे हैं, नए नए रिपोर्टिंग के तरीके आते जा रहे हैं,
तो उस परस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये उस रिपोर्ट से साफ होता था जो ICAI और SFI ने दिए है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ तो हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, ये नहीं खुद ही कह दिया, पहले एजेंसी से रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट को फिर एक्सपर्ट से कंसल्ट कराया, एक्सपर्ट की ओपिनियन थी कि अकाउंट्स को देख लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ी हुई हो सकती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, तो उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ट्राइब्यूनल ने ये सब बातें कंसिडर करी है, उसके बाद ही डिसीजन दिया है। Considering the facts narrated here and above and the preliminary report of SFI on ICAI, which came to be considered by the learned tribunal, and considering the specific observation made by the learned tribunal while passing the order under section 241 and 242, and considering the fact that the central government has entrusted the investigation of the affairs of the company to SFIO in exercise of the powers, एक बार पढ़ रहा हूं अभी फिर समझाऊंगा अभी, in exercise of the powers under section 242 of the Companies Act, it cannot be said that the conditions precedent while invoking the powers under section 130 were not satisfied. देखिए एक और हमारे सामने सेक्शन आ रहा है जो सेक्शन 241 एंड 242 के बारे में बात करता है। अगर इसके बारे में कहूं और अगर सेक्शंस के पहले मैं ये चीज ऐड कर दूं जो 241 है 242 है, कि हम ये बात जानते हैं कि एनसीएलटी जो है वो अपने आप एक प्रीमियर बॉडी है जो इस पूरी चीज को रेगुलेट कर रही है। अगर सेक्शन 241 के बारे में बात करें तो वहां पे यही कहा गया है कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो चाहे मैं कंपनी के मैनेजमेंट में हो या अदरवाइज हो, जो कि कंपनी के लिए एज अ होल ओवरऑल इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो ट्राइब्यूनल को, ये सेक्शन 241 में कहा गया है, तो वो ट्राइब्यूनल को जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। किसी को भी अगर ऐसा लगता है, किसी मेंबर को भी, कि काम सही नहीं हो रहा है या इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बाय एंड लार्ज नहीं हो रहा, तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन 241 में फाइल कर सकते हैं। अब 241 में जब एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी तो ट्राइब्यूनल चुप तो बैठेगा नहीं, अगर बैठेगा तो लोग कहेंगे भाई ट्राइब्यूनल काम नहीं करता, तो 242 में ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की तैयारी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट करवा सकता है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल ने किया ये कहना कि जो डायरेक्टर उनका ये कहना कि ट्राइब्यूनल जो है वो अपनी पावर्स का सही से यूज नहीं कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये सारी बातें किसी भी तरीके से सही समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द रीजन ट्राइब्यूनल ने वही किया जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ट्राइब्यूनल को अगर पता खुद चला सुयो मोटो पे या किसी ने बताया कि कंपनी के अफेयर सही से कंडक्ट नहीं हो रहे, तो उसके पास यही रास्ता ही था कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करे, और उसने इस प्रोसेस में इस डायरेक्शन में सबसे पहला कदम जो था वो ये लिया कि उसने ICAI और SFIO से रिपोर्ट मांगी। अब जब उन्होंने कंपनी के स्टैंड्स के ऊपर या कंपनी का जो पोटेंशियल है, जो कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट अगर तैयार करके दी है, और उसके बाद अगर ऐसे ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो फिर ट्राइब्यूनल ने अकाउंट्स ओपनिंग की बात करी है, तो आप ही बताइए, आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं पूरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मैंने कहा, कहां पे ट्राइब्यूनल गलत कर रहा है। ट्राइब्यूनल अगर ऐसे कहता है कि चलो हाँ भाई अकाउंट्स अपने, कोई लेटर लिख देता और कंपनी को कहता है अकाउंट्स अपने आपके रीओपन होंगे, तो कंपनी कह सकती थी भाई प्रोसेस फॉलो करो, तो ट्राइब्यूनल ने जो प्रोसेस दिया हुआ है लॉ के अंदर वो तो फॉलो किया ही है, और इससे ज्यादा आप ट्राइब्यूनल से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है। तो देखिए लिखा, इट कैन नॉट बी सेड दैट द कंडीशन, ये नहीं कहा जा सकता दैट द कंडीशन प्रीसीडिंग वाइल इनवोकिंग द पावर्स अंडर सेक्शन 130 वर नॉट सैटिस्फाइड, ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 130 में जो प्रोविजन है वो नहीं माने गए, सब चीजों को कंप्लाई किया गया है। वी आर मोर देन सैटिस्फाइड, सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस नरेटेड हियर एंड अबव एंड ऑल्सो इन द लार्जर, बार बार देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कीवर्ड है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, में थाउजेंड एंड करोड़ ऑफ द पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, द ट्राइब्यूनल इज जस्टिफाइंग इन अलाउइंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 130 which was submitted by the central government as provided under section 130. तो जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो ड्यू प्रोसेस है, किसी भी तरीके से किसी की पावर्स का अब्यूज यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स की तरफ से नहीं हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम जरूर ये कहते हैं कि भाई कोर्ट में इतना समय लगता है और यू नो पता नहीं कब केस डिसाइड होगा होगा या नहीं होगा, बट आप देखिए कि ऐसे केसेस आते हैं आपको कहीं इसको पढ़ने से या समझने से ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस आना डिजर्व करता था, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस बात को सुन के और समझ के 70% का केस हमने कंप्लीट कर लिया, जो एक दो पैराग्राफ बचे हैं वो मैं बताने वाला हूँ, बट उसके अंदर भी वही चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो जो एक्स डायरेक्टर था वही वाली बात कि भाई बचना है तो कैसे भी बचा जाए, तो उन्होंने बातों को घुमाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा सर नीचे भी देखेंगे कि सेक्शन 130 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है,
और कोर्ट ने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में 241 और 242 का जिक्र किया, तो अपेलेंट का कहना है सर 130 एंड 241 और 242 तो अलग अलग सेक्शन है, उनका कहाँ आपस में कोरिलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही समझाया कि भले ये लिखा है अभी पैराग्राफ में कि भले कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट इन कंजंक्शन ही सेक्शंस को इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो एक्स डायरेक्टर है वो कोर्ट का टाइम खराब करने आया है, वो आपका टाइम खराब करने आया है, वो मेरा टाइम खराब करने आया है, बेसिक बात है। क्योंकि ये और इसके अंदर कितने ही ऐसे केसेस है, आपने मुझे तो नहीं याद है, इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा दिए तो मुझे तो नहीं याद है कि मतलब क्या क्या उस समय कहा होगा मैंने, मुझे सच में नहीं याद। बट ये जरूर है कि मैंने कहा है, मुझे ये कहीं ना कहीं बैकअप तो माइंड में याद है कि मैंने ये जरूर कहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं, पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंटरटेन कर लिया है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली। चलिए Now, so far as the submission on behalf of the appellant that all the provision, all the three provisions, that is section 130, 200, अभी ये देखो नए सेक्शन आ गए 211, 212, to section 241, 242 operate, अभी पढ़ के सेक्शन इस वाले का भी मतलब बता दूंगा, operate in different field and in different circumstances and they are in different chapters, देखो कह रहा है ना, कह रहा है कि अलग अलग है ये different field में fall करते हैं, different circumstances में और different chapters में, तो इनको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। And therefore, any observation made while passing the order with respect to the particular provision may not be considered while passing the order under relevant provision is concerned. Now, appellant देखो क्या starting line क्या है? Now, so far as the submission on behalf of the appellant. तो पहले तो court ने अपनी बात कर दी, अब appellant को जब कहा जा रहा है कि आपको कुछ कहना है तो वो तो मना नहीं करेगा, तो कहता है हाँ जी कहना है, तो पूछते हैं क्या, तो कहता है ये जो आपने सेक्शन का कोरिलेशन बनाया है कि सेक्शन 130 से 211 और 12 और फिर 241 एंड 242, ये तो अलग अलग सेक्शन है, कहाँ कोई सेक्शन है, वो कहाँ कोई सेक्शन है, आपस में इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप तो मतलब ये अपीलेंट का कहना है, तो आप कोर्ट को कह रहे हो कि आप तो इसका मतलब केस को मतलब कहा नहीं गया है यहाँ पे, बट कहने का उसका यही मतलब है कि आप केस को घुमा रहे हो, मतलब जो समझाना है जिसके ऊपर मैं आया हूँ आपसे बात करने, ये अपीलेंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैं जिस चीज के ऊपर बात करने आया हूँ आप उसके बारे में ना बात करके आप मुझे अलग अलग सेक्शन में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये उसका वकील ही कह रहा होगा फॉर श्योर, क्योंकि वकील क्या है उनकी आदत है कि ठीक है भाई फंसेगा तो क्लाइंट फंसेगा जेल जाएगा, तो आपने मूवी नहीं देखी जॉनी एल भी और वो सब चीजें, फंसेगा तो यही फंसेगा, हमें क्या करना है, तो वो तो इस तरीके से ताकत लगा देते हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ चल रहा हो, मामला चल रहा हो कि ठीक है भाई ऐसे वैसे, बट सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे हैं और कहाँ पे ये कह रहे हैं और किसके सामने कह रहे हैं, तो ये सब उनकी तरफ से कहा गया। अब लिखा गया इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड दैट ऑल थ्री प्रोविजन आर रिक्वायर्ड, देखो फिर कोर्ट ने क्या कह दिया, आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड कॉन्जॉइंटली, साथ में, कॉन्जॉइंटली मतलब साथ साथ साइमल्टेनियसली, व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर इन द पर्टिकुलर प्रोविजन द एंडेवर शुड बी टू यूज द ऑर्डर ऑर्डर पास्ड इन द अदर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर गिवन इफेक्ट टू और इन फर्दरेंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर अदर सेक्शन, therefore the observation made while passing the order under section 241 and 242 जो ऊपर बात करके आए हैं जहां पे best management की बात करी गई है of the companies act can be said to be relevant observation of passing the order under section 130, आप मुझे बताओ क्या ये गलत है, अगर हमें किसी कंपनी के अकाउंट्स ओपन करने हैं तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कोर्ट सही कह रहा है, सबसे पहले 130 में तो क्या है अकाउंट्स ओपनिंग की बात है, बट अकाउंट्स ओपनिंग कैसे होगी, सबसे पहले ट्रैवलर के पास कोई आएगा चाहे कंपनी का मेंबर है क्रेडिटर है, जो ये बात को बताएगा या ये बात को कोर्ट में सामने ट्रैवलर के सामने रखेगा कि सर कंपनी के अफेयर्स जो है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही से नहीं चल रहा है, यही सेक्शन 241 कहता है। अब 242 में ट्रैवलर इस बात को आगे बढ़ाएगा और इंस्पेक्शन करने लगेगा, जब इस बात को 242 में आगे बढ़ाया जाएगा और ट्रैवलर इसको देखने की कोशिश करेगा और उस दौरान उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रैवलर को लगता है जहां पे वो रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाएगा ICAI SFIO की तरफ से या और कोई अथॉरिटी है तो उसकी तरफ से, उस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद लगता है कि हाँ भाई अकाउंट्स को ओपन करा जाना चाहिए और अकाउंट्स को ओपन करने का सेक्शन है 130, तो अगर ऑर्डर में बात करी जाएगी किस ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि सेक्शन 241 होगा फिर 242 होगा फिर 130 होगा, 130 इज द एंड रिजल्ट ये हम सब मानते हैं, बट बात है कि 130 और 241 और 242 का रिलेशन है जो यहाँ कहा जा रहा है कि ये कहाँ से अलग अलग सेक्शन आप ला रहे हैं, तो समझाने की कोशिश है कि भाई इसका रिलेशन है 241 में तो ये इल्जाम लगेंगे, 242 में इसके बारे में जांच पड़ताल होगी और उसका जो एक्शन होगा जो रिएक्शन होगा वो 130 के तौर पे आपको सामने दिखेगा, तो बन गया ना कोरिलेशन। अब ये कहो कि नहीं सर
मतलब कहने वाला अगर ये सोचे कि नहीं सर ये 130 के बाद 131 और 132 होने चाहिए, 240 कहाँ से पहुंच गया, तो फिर ये तो एक डायरेक्टर से तो एटलीस्ट, और वो भी हम जहां तक मैं समझ रहा हूँ लिमिटेड अच्छी कंपनी है जो इसका नाम हमने ऊपर लिया है, आज भी अच्छी कंपनी माने जाते हैं, तो ऐसे ये बात जो है आई रियली डोंट अप्रिशिएट कि इतनी बड़ी कंपनी का कोई डायरेक्टर का है। कोर्ट ने तो नहीं कहा है बट डेफिनेटली ये बात सुन के ऐसे ही लगता है। एट द स्टेज इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड दैट इवन अदरवाइज इन द ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट There's a specific observation made by the learned tribunal with respect to the management of the affairs of the company and even with respect to the earlier accounts prepared in fraudulent manner. तो साफ साफ बता दिया गया है कि अब देखो बहुत बार आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा अगर आपकी लड़ाई किसी से हो जाती है और सामने वाला ज्यादा पावरफुल है, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ यहाँ से उसका कोई मतलब नहीं है समझाने के लिए, सामने वाला ज्यादा पावरफुल है अगर आप उससे बोलते रहेंगे स्पेशली जब गुस्से में हम लोग बोलते हैं आपने देखा होगा तो बात बिगड़ती ही है, कभी आप एक बोलेंगे सामने वाला फिर एक और कुछ कहेगा फिर कुछ ऐसी बात वो कह देगा जो आपको बुरी लग जाएगी फिर आप उसका जवाब देंगे, तो बात जहां बहुत छोटे में निपट सकती थी अगर बाद में आप सोचें 10 मिनट के बाद जब सब कुछ शांत हो जाए तो आप रियलाइज करेंगे यार ये तो कोई बात थी नहीं, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बात हो गई। तो यही चीज है अब जब कोर्ट समझा रहा है वो नहीं मान रहा, जो डायरेक्टर है वो नहीं मान रहा, तो कोर्ट तो भाई कोर्ट है और वो सही कह रहा है तो वो तो फिर अपनी बात जस्टिफाई कर ही रहा है ना, तो उसको आखिरी में ये भी समझा दे जिससे कि वो डायरेक्टर ओवर स्मार्ट ना बने, कह दिया कि भाई एट दिस स्टेज जो 130 का ऑर्डर है वो पास किया गया और उसकी वजह ये थी, साफ साफ मुंह पे कह दिया, अभी तक तो फ्रॉड वाला वर्ड सिर्फ मैं बोल रहा था यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं था, अब साफ साफ कह दिया देखो इसलिए किया है क्योंकि ऐसा इससे पहले भी हुआ है कि कंपनी के अकाउंट्स में फ्रॉडलेंट डीलिंग हुई है, तो अभी और अगर कुछ कहोगे तो कोर्ट और चार बातें सुना देगा, तो मेरे हिसाब से बेटर यही था कि यहाँ पे बात खत्म कर दी जाए और क्षण कर भी दी क्योंकि आखिरी में और कुछ खास नहीं लिखा, बस अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, बट जाते जाते रियलाइज करा दिया आप देखिए ये जिस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये लिखी नहीं है चीजें और लिखी जा भी नहीं सकती, बट एक तरीका है समझाने का जो शायद बुक रीडिंग से अलग बना देता है मेरी क्लासेस को, और वो यही है जो मैंने आपको बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते कह दिया एक तरीके से कि भाई पहले भी फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर अकाउंट्स खुले हैं तो खुलने दो, क्या मैं वही कह रहा हूँ शुरू से डर की बात क्या है, अगर अकाउंट्स खुल रहे हैं मेरा और वो भी एक्स डायरेक्टर है तो क्या डर है, किस बात का डर है ना, तो वही है। In view of the above and for the reasons stated above, we see no reason to interfere with the order dated 1st January passed by the learned tribunal under section 130. So Supreme Court ne keh diya hame koi dikkat nahi lagti for reopening of the books of accounts and recasting the financial statement of the infrastructure leasing and finance services. Infrastructure, ILFS, financial services, transportation network for the last 5 years, jo 2013 se 2018 tak hai. Which came to be confirmed by the learned appellate court while the judgment and the order dated 31st January. Consequently, the appeal fails, यानी वो ex director की appeal जो है, वो fail हो जाती है and dismiss कर दी जाती है, यानी accounts जो है, वो अब reopen होके ही रहेंगे। अगर कोई और option भी इसके बाद होता, तो जहां तक मुझे लगता है, वो director वहां भी चला जाता अपनी बात कहने के लिए। But समझना चाहिए हमें, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम करें। चलिए बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने एक और केस लॉ स्टार्टअप मैं करूंगा, इसके बाद हमारा कंपनी लॉ के जो अमेंडमेंट्स केसेस हैं, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं बाकी सारा तो हमारा कंप्लीट है और हमारे पास सारी सीएस प्रोफेशनल की क्लासेस हैं आप जानते हैं, और मैं चाहता हूँ ये अपने जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको आप ये जरूर बताएं, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा आप कहें कि सर हमें क्या, हम क्यों बताएं, ऑब्वियसली है ना हम क्यों बताएं, ये आप कहते रहो आपकी बात सुनता कौन है, बट उनका नुकसान हो रहा है। अभी आप देखते हैं बहुत बार मैं आपको बताता हूँ अलग अलग जरिए से अलग अलग मेथड से कि कैसे लोग पुरानी क्लासेस दे रहे हैं, स्पेशली एमडीसीएस की तो हिम्मत नहीं किसी की देने की, क्लास ही नहीं है बहुत ज्यादा, और है भी तो आप में से ही कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आउटडेटेड क्लासेस खरीदी थी। आउटडेटेड का मतलब ये है कि अगर 268 केस लॉ थे इनिशियली, फिर 60 ऐड हुए और अब फिर और ऐड हुए मेरी, अब इसके बाद जो मैं कंप्लीट कर दूंगा एकदम आईसीएसआई से 100% मैच करती है, जो मैं चैलेंज करता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया होगी ही नहीं, है ना, और ये कहने के लिए जो मैं ऐसा कहता हूँ कि 100% फीस रिफंड अगर मेरी क्लासेस अपडेटेड नहीं है चाहिए, बोलने के लिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए जो कहीं और दिखता नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स को बचाइए जिससे कि पहले वो गलत हाथों में जाएं और अपने पैसा वेस्ट करें और मुझे फीस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि हर बच्चा कहता है सर मैं उनको दे चुका हूँ पैसे और मेरा दिल फिर आप जानते हैं कि चल भाई ठीक है जहां इतने पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ लेगा कोई दिक्कत। चलिए बात करनी अब स्टार्ट करते हैं दूसरे केस के बारे में। सो दिस इज द सेकंड केस ऑफ द कंपनीज एक्ट
जिसका नाम है पीआर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली एंड अदर्स ओआरएस अदर्स एनसीएलएटी पे मामला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, एनसीएलएटी तक ही रहा। अपील नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल जजेस बंसीलाल भट्ट बलविंदर सिंह और डिसाइड हुआ है 28 अगस्त 2019 को। कहा गया है कंपनीज एक्ट 2013 स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द कंपनी नेम फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम। अभी बात करूंगा नेम ऑफ द कंपनी स्ट्रक ऑफ रेवेन्यू डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन लेटर रेवेन्यू ऑब्जेक्टेड टू द स्ट्राइकिंग ऑफ वेदर टेनेबल हेल्ड एज नो। ठीक है, मैं इसको अब समझाना स्टार्ट करता हूँ और मैं दोबारा से अब यहां से क्रक्स बोलना स्टार्ट करूंगा और अगर आप चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं क्योंकि उस क्रक्स के अंदर मैं ये जो आने वाले हमारे 10 मिनट लगेंगे इस केस को, 10-15 जो भी मिनट लगे उसको मैं 2 या 4 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप उसको सुने और लिख लें उसका जो पार्ट आपको रिलेवेंट लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो दो पार्टीज हैं, अब देखिए फास्ट ट्रैक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो फास्ट ट्रैक स्कीम निकाली गई उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो कंपनीज जिनके पास जो डिफंक्ट कंपनीज हैं या ऐसे कह दो कि जिनके पास ना कोई एसेट्स है ना जिनके पास कोई लाइबिलिटीज हैं और पिछले एक साल में जब भी वो एप्लीकेशन ये फाइल कर रहे हैं पिछले एक साल में एटलीस्ट इस केस को डिसाइड करते हुए जो फैक्ट्स यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हुए पिछले एक साल में उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस एक्टिविटी नहीं करी। तो ना कोई एसेट्स हैं ना कोई लाइबिलिटीज हैं ना पिछले एक साल में कोई बिजनेस एक्टिविटी करी है, एज इज है पिछले एक साल और अब में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ा ना कुछ घटा। तो इन दैट केस उनके लिए फास्ट ट्रैक है, मतलब वो जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर में से जो कंपनी का नाम है वो स्ट्राइक ऑफ में ले जा सकता है, हटा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये तो फास्ट ट्रैक के बारे में बात थी, हुआ क्या यहाँ पे कि जो कंपनी थी जिसका नाम अभी हम पढ़ेंगे पहली लाइन में लिखा है कि नेक्सस मार्केटिंग, आप देख भी सकते हैं ब्रीफ फैक्ट्स में सबसे पहला लाइन में आपको दिख जाएगा मेसर्स नेक्सस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल करी आरओसी को कि भाई वो फास्ट ट्रैक स्कीम का प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को हटाना चाहते हैं या कंपनी की आइडेंटिटी जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। रजिस्ट्रार ने जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी को फॉलो किया, विच इज जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन सभी को नोटिस भेज दिया, सो कॉल्ड स्टेक होल्डर सभी को नोटिस भेज दिया और 30 दिन का समय सभी को दिया कि भाई ये कंपनी की एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक स्कीम के अंदर आई है और ये स्ट्राइक ऑफ होना चाहते हैं, कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ होना चाहती है, तो अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो बताए। 30 दिन बीत गए, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो रजिस्ट्रार ने एज जो उन्हें करना चाहिए था एज पर द प्रोसेस वो आगे बढ़े और उन्होंने कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर से हटा दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, कंपनी को खत्म कर दिया। कुछ समय के बाद जो ये इनकम टैक्स वाले हैं, जो रेवेन्यू जिसको यहाँ पे कहा गया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तौर पे, वो लोग आ गए, वो कहते हैं कि नहीं कंपनी को दोबारा से आप वापस रखो, रीइंस्टेट करो क्योंकि हमने कंपनी से कुछ पैसा लेना है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा लेना है तो किस बात का पैसा लेना है, क्योंकि डिफंक कंपनी अगर ये है तो इसके पास ना कोई एसेट्स है ना कोई लाइबिलिटीज है ना कोई इसने बिजनेस किया है, भाई टैक्स मैं कब दूंगा, मैं कब टैक्स दूंगा। एक इंडिविजुअल के थॉट पे सोचिए, कब इंडिविजुअल टैक्स देगा, या चलिए कंपनी पे भी सोचिए, कुछ कमाया ही नहीं है जिसने, बात ये नहीं और एक स्लैब है या नहीं है कोई, मैं बोलता हूँ कोई इनकम ही नहीं है जिसकी पूरे साल की, ना कोई एसेट्स है विच इज मूवेबल इनमूवेबल किसी तरीके का, ना कोई लायबिलिटी है, तो टैक्स बनता कौन से पैरामीटर्स पे, ये समझाना पड़ेगा। तो और फिर दूसरा एक पॉइंट ये है कि जो ये टैक्स मांगने आए और कह रहे हैं कंपनी को रीइंस्टेट करो हमें टैक्स चाहिए, तो सवाल ये उठता है टैक्स बनता किस चीज पे। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया है वो ये कि भाई अगर कुछ ऐसा था भी, वैसे तो इनकम टैक्स जो है अभी हम पढ़ेंगे सब बातें, बट मैं क्रक्स बता रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स जो ऑफिस था वो खुद ही इस बात को फेल करने में जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसको जस्टिफाई करने में फेल हो गया, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन रखा कि भाई एसेट्स कौन से हैं, क्योंकि अगर भाई देखो दो में से एक की गलती है, या तो आरओसी की या इनकम टैक्स की, अगर कंपनी डिफंक आप कह रहे हैं जिस ना उसकी कोई एसेट्स है ना लाइबिलिटी है ना उसका लास्ट से लास्ट ईयर में कोई कारोबार हुआ है, तो फिर तो टैक्स बनता नहीं है। और अगर आरओसी ने इसी बात पे कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया है और ये बात सही है, तो इसका मतलब इनकम टैक्स जो यहाँ पे अपनी बात रख रहा है वो गलत है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर कोई इनकम होती तो फिर फास्ट ट्रैक के अंदर वो डीरजिस्टर हो नहीं सकती थी, पर आरओसी ने, हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा प्रोसेस फॉलो किया है और एनसीएलटी ने भी यही कहा है कि आरओसी के प्रोसेस पे कोई सवाल नहीं उठा सकते बिकॉज उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर मान लो, चलो हम 1% मान भी लेते हैं कि भाई कुछ रहा होगा, कोई लाइबिलिटी रहा होगा,
तो फिर इनकम टैक्स ने मुझे 30 दिन का नोटिस दिया, जो मैंने अभी कुछ आप देर पहले आपसे कहा कि आरओसी ने डीरजिस्टर करने से पहले 30 दिन का सबको नोटिस दिया था स्टेक होल्डर्स को कि ऑब्जेक्शन रेज करें। तो उस समय फिर इनकम टैक्स के किसी ऑफिशियल ने या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ क्यों नहीं आया? आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था तो आप रख सकते थे, आपने क्यों नहीं रखा उस चीज को? और फिर ये दो बातें तो यहाँ पे हैं, जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, मैं वो ये कहता हूँ कि जब हम जनरली बात करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो ये कहते हैं कि भाई लॉ इज ओनली फॉर दोस हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, यानी लॉ उन लोगों के लिए है जो अपने राइट्स के बारे में जागरूक है। तो फिर ये कैसी जागरूकता है जहाँ 30 दिन का समय था वो भी निकल चुका है, और बाद में आप आते हैं और जानते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 तो ये साफ साफ कहता है कि बार्ड बाय लिमिटेशन, ये लिखा नहीं है बट अगर कुछ होगा तो वो भी बार्ड हो जाना चाहिए था। भाई एक ऑर्डिनरी इंसान होता तो शायद कोर्ट यही कह देता अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर रीजन कि ये बार्ड बाय लिमिटेशन भी है, अगर कुछ बनता है तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन भी है। खैर बार्ड वाली बात को यहाँ पे लिखी नहीं गई है, बट आई थिंक दो परस्पेक्टिव, एक तो ये कि पहले ये समझाएं कि एसेट्स कहाँ पे हैं जो टैक्स की बात आ रही है, दूसरा ये कि उन्होंने 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया। अब जब इसका कोई जवाब नहीं मिला इनकम टैक्स तरफ से, या उनका अपना ही कोई जवाब नहीं तैयार हो पाया, तो आप जानते हैं उन्होंने भी वही किया जो एक नॉर्मल तौर पे किया जाता है, कि उन्होंने क्वेश्चन को ही बदलने की कोशिश करी। उन्होंने कहा छोड़िए कंपनी को, हमें डायरेक्टर से पैसा लेना है क्योंकि डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी थी टैक्सेशन की जो उन्होंने पे नहीं करी है। तो इसको समझाते हुए एनसीएलटी कहता है देखिए ये एकदम साफ बात है, दो बातें हम लोग पहली बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक बात जो थी वो डिफंक्ट फास्ट ट्रैक वाली वो खत्म हो गई। जहां तक डायरेक्टर की लायबिलिटी की बात है, समझ लेना बहुत जरूरी है कि कंपनी को खत्म कर देने से लायबिलिटी खत्म, अगर है लायबिलिटी तो वो खत्म नहीं होती है। पर यहाँ जो हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एनसीएलएटी का मैटर है, मतलब तो अपील फाइल करी गई है, तो एनसीएलएटी ने यही कहा कि लोअर कोर्ट यानी एनसीएलटी में ये जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसने ये डायरेक्टर वाली बात तो रखी नहीं, वहां तो उस समय तो वो यही कह रहा था कि कंपनी से पैसा लेना है, कंपनी से पैसा लेना है। अब जब वो हार गए उस फ्रंट पे तब वो डायरेक्टर के ऊपर आ गए, बट उन्होंने ये कहा कि हमारा इससे कोई फिलहाल मतलब नहीं है क्योंकि अपील जिस बारे में थी हमने उसको डिसाइड कर दिया, अगर कोई डायरेक्टर से पैसा लेना है तो उस तौर पे जो नेसेसरी अथॉरिटीज है वहां पे जाए इनकम टैक्स और उस चीज को वहां से आगे बढ़ाए। फिलहाल जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी को दोबारा से एक बार उस ट्राई पर पहुंच चुकी है तो दोबारा से रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है, दिस इज द क्रक्स। एक भी चीज आपको नई नहीं मिलेगी जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इतना आपने समझ दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आइए अब डिटेल में देख भी लेते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से अब केस की जो डिटेलिंग है वो स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज जो जनरल बात है जो क्रक्स मैंने आपको समझाया अभी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, बिकॉज एज इट इज नीचे बात लिखी गई है, बस ऑब्वियसली थोड़ा फॉर्मल तरीके से। So, लिखा है मैसेज नेक्सस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको स्ट्राइक ऑफ किया गया है। फॉर शॉर्ट द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 एंड इन 2011 द कंपनी अप्लाइड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम अंडर द फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम 2011 में जो आई, व्हिच वाज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट आरओसी दिल्ली, फॉर शॉर्ट आरओसी। आरओसी का मतलब आरओसी दिल्ली यहां पे कहा जाएगा, और जहां जहां कंपनी का वर्ड आएगा वहां पे आप मानिएगा कि इस कंपनी को जिसका नाम नेक्सस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है उसको हम यूज कर रहे हैं। आरओसी यानी जैसे आरओसी है मतलब आरओसी दिल्ली इशूड अ नोटिस टू द कंपनी एंड फॉरवर्डेड अ नोटिस ऑफ द अ कॉपी ऑफ द नोटिस अ कॉपी ऑफ द नोटिस द एप्लिकेंट रेवेन्यू फॉर सीकिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी सिंस नो ऑब्जेक्शन, ये ध्यान देने वाली बात है, नो ऑब्जेक्शन वर रिसीव बाय आरओसी फ्रॉम एनी स्टेक होल्डर्स विद इन द टाइम ऑफ 30 डेज, नेम ऑफ द कंपनी वाज स्ट्रक ऑफ। तो ऑब्वियसली भाई अब 30 दिन का समय था, 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन किसी की तरफ से नहीं आया तो बात ही खत्म हो गई। द रेवेन्यू फाइल एन अपील टू एनसीएलटी सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट द टैक्स ड्यूज अगेंस्ट द कंपनी वर नॉट डिटरमाइंड व्हिच वाज डिसमिस्ड Against the dismissal, the revenue is appealing before the NCLAT. तो जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा, while I was explaining the crux or the summary for this particular case, तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखिए आरओसी ने अपना जो काम करना था, जो आप बहुत बार कहते हैं अलग तौर पर reasonable opportunity of being heard, तो वो दिया सभी stakeholders को, और 30 दिन कम नहीं होते अगर अपनी बात हमें रखनी है। और मेरे ख्याल से खासकर इनकम टैक्स के लिए तो बिल्कुल, बिकॉज उनके लिए तो क्या है, ये रोज का मैटर है, तो उन्हें तो पता ही है कि भाई हाँ ये सब चीजें होती हैं और हमें जवाब जल्दी से जल्दी देना पड़ता है, तो उस थॉट प्रोसेस के बारे में बताना ही चाहिए था उनको, तो इस बारे में कि भाई हाँ अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वही यहाँ पे कहा गया कि 30 दिन का समय सभी को दिया गया था,
और एनसीएलटी के तौर पे जब ये फाइनल डिसीजन ले लिया गया कि हाँ भाई ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, तो एनसीएलटी का कहना था कि ये जो आरओसी ने किया ये बिल्कुल सही है। बट जैसे कि आप जानते हैं, इसी चीज को चैलेंज करते हुए जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो एनसीएलटी पहुंच चुका है। वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगेंस्ट द डिसमिसल द रेवेन्यू इज बिफोर द एनसीएलटी। तो इन शॉर्ट वही वाली बात हो गई कि भाई कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया, सबको नोटिस दिया, उस समय कुछ नहीं बोला किसी ने भी, चाहे टैक्स अथॉरिटी हो चाहे अदरवाइज हो। अब जब स्ट्राइक ऑफ हो गया है तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लोग हैं वो सामने आ गए, कहते हैं कि हमने पैसे लेने हैं। अब आइए एनसीएलटी की बात थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो रीजंस को देते हुए यहाँ पे बात करी गई है, ये तो तक पक्का हो ही गया कि भाई ये केस तो डिस्मिस हो ही गया है। नहीं, जो बात एनसीएलटी ने कही थी वही एनसीएलटी ने कही है, विच इज जो क्रक्स है बात का, वो ये कि स्ट्राइक ऑफ हो गई है एक बार कंपनी, तो वो स्ट्राइक ऑफ ही रहेगी। कोई और रेमेडी है अगर लगती है, जैसे कि मैंने आपसे भी कुछ देर पहले कहा, इनकम टैक्स वाले अब अपना क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, वो डायरेक्टर के खिलाफ कोई लाइबिलिटी निकालना चाहते हैं, पहले उनका क्वेश्चन कंपनी के खिलाफ था। तो यही समझाया जा रहा है, आज जाते जाते नीचे एनसीएलटी ने यही कहा कि भाई अगर डायरेक्टर के खिलाफ है तो ये एकदम हम क्लियर करना चाहते हैं, और तो इसके लिए ये अपील नहीं है उन्होंने कहा, बट फिर भी वो ये कह रहे हैं हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर डायरेक्टर के खिलाफ कुछ भी पैसा पेंडिंग है टैक्स की लायबिलिटी के तौर पे, तो उससे डायरेक्टर्स बच नहीं सकते। अब इसको सही तरीका क्या है एनफोर्स करने का, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखे, बट एनसीएलटी में सवाल उठा था कंपनी को लेके, पर कंपनी की कोई लायबिलिटी एसेट बनती नहीं है, और जो स्ट्राइक ऑफ हो गया वो वैसे रहेगा, दोबारा रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। तो एनसीएलटी का कहना है, इन द इंस्टेंस केस The report cum affidavit filed by ROC supported by annexure first and second satisfactorily established that the procedure laid down for striking off the name of the company from the register of the company has been observed in letter and spirit. In the face of the material on record collaborated by contemporary, मतलब जो पहले के सारे रिकॉर्ड्स हैं अगर उन सबको भी मिला लिया जाए, no exception can be taken as regard the compliance of the procedure aspects laid down in the guidelines covering the FTE of the company. तो ROC के एक तरीके से जो मैंने भी आपसे कहा, तारीफ करते हुए ये कहा गया है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई शक नहीं हो सकता कि ROC ने जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको सिर्फ कहने के लिए नहीं, लेटर इन स्पिरिट मतलब जो कहा है, जो लिखा गया है, उसको सच में फॉलो भी किया है। और जहां तक रिकॉर्ड्स की बात है या जहां तक FTE यानी फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम के रेगुलेशंस की बात है, उसका भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। कंपनी के पास वही सारे पैरामीटर्स थे जो FTE स्कीम के बेसिस पे जरूरी थे अगर आपको स्ट्राइक ऑफ होना है, और उस तौर पे ROC उन सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही कंपनी को फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम के थ्रू स्ट्राइक ऑफ किया है। Though in terms of the guidelines, decision of ROC in respect of striking off the name of the company from the register is final, it is open to the appellate tribunal to examine whether fundamental principle of the jurisprudence have been observed in compliance. एक बार पढ़ रहा हूँ फिर हम बात करेंगे। Whether the company has restored to FTE, समझ गए ना, fast track exit with malafide intention, समझ गए, आपको पता है malafide and bona fide, so malafide is like इन गुड फेथ, मैलाफाइड उसका अपोजिट हो जाता है, इन बैड फेथ विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। सो लिखा है, व्हाइल वेदर द कंपनी रिजॉर्टेड टू एफटीए विद मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स वुड बी अ कंसीडरेशन हैविंग अ बेयरिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एफटीए गाइडलाइंस फॉर डिफंक कंपनीज। डिफंक कंपनी कौन सी है, जिनके ना कोई एसेट्स हैं, सो नो एसेट्स एंड नो लायबिलिटीज। प्लस एक चीज और ऐड कर दूं जो हम पढ़ेंगे भी, वो ये कि प्रीवियस साल जिस दिन भी FTE की एप्लीकेशन कंपनी की तरफ से फाइल करी गई है, उसके प्रीवियस साल अगर आप एक साल पहले का भी देखें तो आप देखेंगे कंपनी में कोई बिजनेस खास हुआ है, खास क्या, कोई बिजनेस ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक FTE गाइडलाइंस का सवाल है वो डिफरेंट कंपनीज के लिए है, बट बिफोर ड्वेलिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यू बीइंग अ क्रेडिटर कॉल द कंपनी मतलब इन रिलेशन टू द कंपनी ऑन द मटेरियल डेट, इट वुड बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी वाज अ डिफंक कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ FTE गाइडलाइंस। अब देखिए, अगर इतनी बात मैं आपसे कहूँ, इससे पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूँ और आप कहें कि सर कब आप समझाएंगे, आप तो पूरा पैराग्राफ पढ़ दे रहे हैं, तो मैं देखिए समझा तो चुका हूँ, बट वही है मेरी आदत कि मैं किसी लाइन को नहीं छोड़ना चाहता, बिटवीन द लाइन्स पढ़ाना चाहता हूँ। और आपको भी मैं ये बोलूंगा कि जितने भी मैंने केसेस पढ़ाए हैं, आप भी कोई शॉर्टकट ना लें, सब चीजें जब मैंने एक एक लाइन एक एक सेक्शन बताया है तो फिर आप क्यों उसको इग्नोर करना चाहते हैं।
क्योंकि उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एमडीसीएस को समझते हैं ये सब्जेक्ट हमारे बाएं हाथ का खेल है, ओपन बुक है, मैं महीना या 1.5 महीना पहले पढ़ूंगी और पढ़ूंगा कर लूंगा, पर वहां जाकर रियलाइज होता है यार कि मैंने जो पढ़ा है वो तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि जहां पे 500 पेज की बुक है वहां पे आप 3 घंटे के अंदर एकदम नए सिरे से कहाँ से पूरा केस पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन समझ के और फिर लिख लेंगे। वो एक्सेप्शनल ही है, मैं ये नहीं कहता किसी की कैपेबिलिटी पे मैं शक नहीं कर सकता, बट वो एक्सेप्शनल है। तो रिस्क ना लें, 6 महीने की बात है, मोटिवेशन की बात है ऑब्वियसली, है ना, तो आप चीजें जानते हैं समझदार है, रिस्क ना लें किसी भी तरीके से। तो खैर यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बात करी गई है वो यही बात करी गई है कि आरओसी के पास पूरा राइट है, अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ में डाल सकता है एफटीई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो उसमें एनसीएलटी का कहना है हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो आरओसी का राइट है। बट जहां तक इस सवाल के ऊपर अगर हम बात करें कि क्या जो कंपनी है अगर उसके प्रस्पेक्टिव से देखें कि क्या भाई कंपनी ने अपने आप को एफटीई स्कीम के अंदर इसलिए लाया और अपनी स्ट्राइक ऑफ इसलिए कराया जिससे कि उन्हें लोगों के पैसे ना देने पड़े, क्या इसलिए उन्होंने स्ट्राइक ऑफ कराया? और उनका कहना था हमें ये भी देखना जरूरी होगा, आरओसी कर तो सकता है ये सब चीजें, बट क्या आरओसी ने पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरीके से कंप्लाई किया है? तो इसका जवाब तो हमें पहले ही मिल चुका है कि आरओसी ने पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किया। उसका एग्जाम्पल ये कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑल स्टेक होल्डर्स दिया है, बाकी एफिडेविट और जो और रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी भी बताई गई हैं सारी की सारी उन्होंने फॉलो करी। पर जहां तक बस इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्या कंपनी डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, क्या कंपनी मैलाफाइड इंटेंशन चीजों को प्रमोट कर रही है, यानी ऑब्वियसली लोगों का पैसा ना दें और हम कंपनी खत्म करके भाग जाएं, कुछ ऐसा कुछ कंपनी प्लान कर रही है? तो उन्होंने कहा हमें ये उससे पहले एक तो ये बात होगी, दूसरा ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी डिफंक्ट थी, बिकॉज अगर वो डिफंक्ट नहीं थी तो एफटीई के अंदर यानी फास्ट ट्रैक एग्जिट स्कीम के अंदर उसको स्ट्राइक ऑफ किया ही नहीं जा सकता था। तो उसी का आंसर अब नीचे वाली लाइनों में दिया गया है, बट इन शॉर्ट अभी तक बात यही चल रही है कि आरओसी के रोल को देखें और कंपनी के रोल को देखें कि आरओसी ने क्या अपना काम सही से किया, क्या कंपनी ने जो ये स्ट्राइक ऑफ का फैसला लिया क्या वो बोनाफाइड इंटेंशन से था या मैलाफाइड से था, पहली बात। और दूसरा ये कि क्या कंपनी डिफंक कंपनी थी, बिकॉज एफटीए तो सिर्फ डिफंक कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, तो क्या कंपनी वैसी कंपनी थी, उसका जवाब दिया जा रहा है। तो लिखा है nil assets and liability were sine qua non for the sine qua non मतलब essential for a company to fall within the ambit of the defunct company, non commencement of the business activity, non operation since incorporation or non operation for last 1 year, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, prior to filing of the application for extension of FD were further requirements। तो defunct होना यानी कोई assets ना होना, कोई liability ना होना, कभी भी कंपनी जब से बनी है उसने बिजनेस ना किया हो, या एटलीस्ट अगर एफटीए की बात करें तो जिस समय एफटीए की एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है उसे ठीक 1 साल अगर आप पहले का देख लें तो कंपनी ने कोई बिजनेस ना किया हो, ये कुछ बेसिक कंडीशन है अगर एफटीए के तौर पे कंपनी स्ट्राइक ऑफ होना चाहती है। तो सवाल ये उठता है पहले हम ये देखें कि क्या कंपनी ने ये सारी चीजों को फुलफिल किया है, इसके बारे में जवाब देते हुए बात करी गई है। इट वॉज देयरफॉर इनकम्बेंट अपॉन द रेवेन्यू in the first instance to lay the proof before the tribunal or even before the appellate tribunal that the company was possessed of the assets beside having liabilities। so kya kya bolat bataya ja raha hai yahan pe ki ab ye revenue yani ye jo income tax hai unke upar hai ki wo proof de tribunal kya ab NCLT hai to appellate tribunal ke samne jahan pe wo ye bataye ki company ke assets the kya, kyunki jaisa main shuru se kehta aa raha hu भाई अगर डिफंक्ट आप कह रहे हैं और आरओसी ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया और बाद में पता चला कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी बननी है, किस चीज पे लायबिलिटी बननी है जब कोई एसेट्स ही नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, या तो इनकम टैक्स प्रूव करे कि भाई हाँ कंपनी के पास कोई एसेट था और लायबिलिटी था तो हम आरओसी को पूछेंगे जाके, बट जब कोई चीज के बारे में इनकम टैक्स बता ही नहीं पा रहा कि किस लायबिलिटी की वो बात कर रहा है, क्योंकि कोई एसेट्स नहीं है तो किसी तरीके की लायबिलिटी उससे अराइज हो ही नहीं सकती, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो उसका क्या चोरी होगा, सिंपल सी बात है। आप अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपए आपकी जेब में है, 100 रुपए आपके पर्स में वॉलेट में है तो वो चोरी हो सकते हैं, है ना, बट जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे क्या चोरी करोगे, इसका सवाल हमें चाहिए, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है उससे क्या चोरी कर सकते हो आप? तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है भाई, लायबिलिटी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं किया तो टैक्स बनाया कहाँ से आ गई टैक्स की बात। तो उस चीज को बताते हुए यहाँ पे कहा गया है कि इसको प्रूफ करने के लिए जब कहा गया कि ठीक है भाई इनकम टैक्स आप इतना कह रहे हो तो चलो प्रूफ करो किस बेसिस पे टैक्सेशन की कैलकुलेशन हुई है, आखिर टैक्सेशन बनता है तो किस चीज का बनता है ये प्रूफ करो, इनकम टैक्स नहीं प्रूफ कर पा रहा है। तो
तो अब क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेटली द रेवेन्यू हैज नॉट मेड हैज इवन नॉट मेड एनी अटेम्प्ट और डिस्क्लोजिंग एनी डिटेल्स ऑफ द एसेट्स मूवेबल इमूवेबल एंड द कंपनी पजेस एनी लायबिलिटी ऑन द मटेरियल डेट। तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको टैक्स को पता नहीं होगा इसके बारे में, बट अपनी तरफ से उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। जब पूछा गया कि बताओ भाई एसेट्स वगैरह के बारे में, तो कोई जवाब नहीं आया। Liability to pay income tax would necessarily depend on assets besides trade and business activity accumulating in profit or loss. The proof in regard to possession of assets by the company and owning to any liability by it, as also in regard to the factor of the income from legitimate source accessible to income tax being absolutely absent. तो कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि किसी भी तरीके से कोई प्रूफ नहीं दिया गया है किसी भी चीज को लेके, और जब तक प्रूफ नहीं दिया जाएगा जो लेजिटिमेट यानी ऑब्वियसली बोनाफाइड लीगल सोर्सेस से हो, तब तक उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, और जब तक कोई एसेट्स नहीं है कोई लायबिलिटी है तो कोई टैक्स देने का सवाल यहाँ पे उठता नहीं है। नो फॉल्ट कैन बी फाउंड इन स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्शन बाय आरओसी, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स जो बात कह रहा है उसकी बात में दम नहीं है। लॉ सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं चलता, आपको अपनी बात प्रूव करने के लिए एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो आरओसी के पास तो हर चीज की एविडेंस है कि उसने रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया है, पर इनकम टैक्स जो कह रहा है उसके पास किसी तरीके के कोई एविडेंस नहीं है, एसेट्स लायबिलिटी का भी हिसाब नहीं दे पा रहा और टैक्सेशन लेने आ गया है इनकम टैक्स। तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि आरओसी ने अपना काम सही से किया, जबकि इनकम टैक्स का ठीक हाल जो है वो अपोजिट है। Plea in regard to emanating from revenues without substance and cannot be, तो क्या लिखा है without substance मतलब कोई होता ना किसी बात का कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब आप देखते हैं बहुत बार कोई कुछ बात कह रहा है but it does not make any sense at all, मतलब एक तो ये चीज है कि वो बात थोड़ी कम समझ में आई मुझे, बट ठीक है समझ में आई। एक है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदा कह क्या रहा है, जैसे यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं, एक एक वर्ड रिफाइन करके आपको समझ में आ रहा है, तो दिस मेक सेंस टू यू, बट अदरवाइज कहा जा रहा है कोर्ट एनसीएलटी कह रहा है कि जो रेवेन्यू ये इल्जाम लगा रहा है, ये केस फाइल कर रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं समझ में आ रहा। सेम इज ट्रू विद अबाउट द प्ली ऑफ द रेवेन्यू बीइंग अ क्रेडिटर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हेन एडमिटेडली It had not raised any demand or passed any assessment order prior to passing of the order of the strike of the company under the ROC. तो एक तो ये सवाल कि भाई assets liability का कोई हिसाब नहीं है तो tax कहाँ से बना? दूसरा ये कि अगर income tax कह रहा है कि मैं creditor हूँ यानी company ने मेरे पैसे देने थे, तो भाई जब ROC ने बोला था 30 दिन का समय दिया था कि सब लोग अपनी अपनी बात रखो, तो फिर रखनी चाहिए थी बात, फिर क्यों नहीं रखी बात? पहली बात तो कोई पैसा बनता नहीं है, बट चलो अगर तुम्हारा इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि नहीं बनता है हमारा कुछ, तो उस समय कहना चाहिए था, फिर क्यों नहीं कहा? और नहीं कहा तो फिर बार बार लिमिटेशन एक्ट फिर छुपा नहीं है किसी से, उसके प्रोविजन क्या है। फिर आगे बात करी गई, सो फार एज द अंडरटेकिंग गिवन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर टू वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्वा मतलब इन रिलेशन टू इन रिगार्ड टू द टैक्स डिमांड सब्सिक्वेंटली रेज बाय द रेवेन्यू During the pendency of the appeal proceeding before the tribunal is concerned, same being a subsequent event and an issue is not amenable to the appellate jurisdiction across the ambit of this appeal, it would be open to the revenue to approach the tribunal in regard to the breach, if any, of such undertaking violating the orders of the tribunal. However, the same cannot be a ground justifying the restoration of the company name in register or ROC. Now, देखिए आपको यही लग गया होगा, अगर थर्ड पार्टी में और आप थर्ड पार्टी और मान लीजिए ये केस में आपको समझा रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा इतनी मेरी बात कहने से कि कंपनी जो है वो जो उसके साथ हुआ है फास्ट ट्रैक का आरओसी ने जो प्रोसेस किया है दैट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पे अगर गलती है किसी की तो इनकम टैक्स की है, वो अपनी बात नहीं प्रूव कर पा रहा है, हो सकता है वो सही भी हो, बट जब तक प्रूफ नहीं है, जब तक बात कोई जेन्युइन नहीं है, कोई रीड लॉजिक नहीं है, तब तक कैसे मान लें। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने पैराग्राफ आप शुरू किया, मैंने आपको पहले याद भी दिलाया था जब ये पार्ट स्टार्ट किया था, या मैं कहूँ कि केस लॉ स्टार्ट किया था, कि कुछ समय के बाद जब इनकम टैक्स को लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं या उनकी बात वैसे नहीं हो पा रही है जैसे वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने अपना जो लाइन है जो बात कहने का एक तरीके से फोकस है वो बदल दिया। उन्होंने कह दिया, उन्होंने फोकस शिफ्ट करके रात दिन कंपनी के बारे में बात करते हैं, अभी तक कंपनी था और कंपनी के डायरेक्टर्स आ गए। क्या लिखा है, In so far as the undertaking given by respondent number two, one of the directors of the company, the tax demand subsequently raised by the revenue during pendency. अभी ये केस चल रहा है
तो इनकम टैक्स ने डायरेक्टर, जो उस कंपनी का डायरेक्टर है जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है, उसके नाम पे नोटिस भेज दिया कि भाई आप डायरेक्टर हो कंपनी के, या डायरेक्टर थे, अब तो स्ट्राइक ऑफ हो गई कंपनी, तो आपके खिलाफ इतनी टैक्स की लाइबिलिटी है। अब ये बात तो यहाँ तो नहीं डील करी जा सकती, तो उसी चीज को इस पैराग्राफ में कहा गया है कि ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है। अगर लगता है रेवेन्यू को कि अगेन उसकी बात में कुछ दम है और यू नो लॉजिक जो वो यहाँ पे दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो जाएं दोबारा से ट्राइब्यूनल के पास, वहां पे केस रखें, क्योंकि ये तो अपील है और आप जानते हैं अपील उसी चीज के बारे में हो सकती है जो कि प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस क्या डिस्कस हुआ था कि कंपनी को रीइंस्टेट किया जाए जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। अब जब वो सारी बात हो चुकी है तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या कर रहा है, वो डायरेक्टर वाली बात लेके आना चाह रहे हैं, तो दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन, जो कंपनी का मैटर था उसके डिसीजन दे दिया। अब ये कहना कि नहीं डायरेक्टर के खिलाफ भी बनती है अपील और कुछ ऐसे, हो सकता है बनती हो, मना नहीं करा जा रहा, हो सकता है, बट ये कोई इसका अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है कि एनसीएलटी से बात शुरू करी जाए। एनसीएलटी जाए या कहीं और अथॉरिटी पे जाए जो इस चीज को देख सकते हैं और वहां पर ये बात कहें। लिखा है येट अनदर एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी ओवरलुक व्हाइल पार्टिंग विद दिस जजमेंट। स्ट्राइक ऑफ ऑफ द कंपनी व्हिच वाज अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द आरओसी इनडिस्प्यूटली डज नॉट ऑब्जर्व, मतलब फ्री नहीं करती है डायरेक्टर को, हु आर लायबल as provided under section 179 of the income tax act to pay the amount of tax revealed in respect of the income of the previous years. Why, in presence of such mechanism within the legal framework available to revenue, insistence is on the restoration of the company without laying any proof of its being possessed of the assets and liabilities and without any evidence of the company being in operation is a question that can be best answered, though has not been answered by the revenue. We refrain from making any comment. So देखिए जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने यही कहा जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें कोई दोराय नहीं है और एनसीएलटी इस बात से एकदम अग्री करता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी लायबिलिटी है तो कंपनी बंद कर देने से वो लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। पर जहां तक इस केस की बात है, जहां तक कंपनी के रेस्टोरेशन की बात है, स्ट्राइक ऑफ से वापस लाने की बात है, कंपनी की लायबिलिटी की बात है, वो तो तय हो गया कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी बनती अब नहीं है। अगर थी भी तो वो प्रूव नहीं हो पा रही है तो बात खत्म हो गई। जहां तक डायरेक्टर्स का मैटर है, जहां तक डायरेक्टर्स का क्वेश्चन है, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट फोरम है जैसे कि मैंने कहा वहां पे अप्रोच किया जा सकता है, उस तौर पे इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए ये केस जो था वो स्ट्राइक ऑफ और कंपनी से रिलेशन में था, तो उसका कुछ यहाँ पे हल नहीं निकला, क्योंकि जो भी लोअर अथॉरिटीज एनसीएलटी ने डिसीजन दिया कि स्ट्राइक ऑफ जो है वो स्ट्राइक ऑफ पक्का ही है, उसको रेस्टोर नहीं किया जा सकता, वही फाइनल है, क्योंकि इनकम टैक्स ने कोई ऐसा रीजन नहीं दिया है कि क्यों जो एनसीएलटी है वो आरओसी को कहे कि भाई आपने गलत काम किया और कंपनी को आप दोबारा से रेस्टोर करो। फ्रॉम द फॉरगोइंग प्रोविजन जो ऊपर रीजन लिखे गए हैं, एनसीएलटी का कहना वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर व्हिच डज नॉट अपीयर टू बी लीगली इनफर्म और अनसस्टेनेबल। The appeal is dismissed. किसकी अपील? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, लीविंग द रेवेन्यू टू परस्यू, देखो क्या लिखा है, लीविंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स, टू परस्यू एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी इन लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट देयर शैल बी नो ऑर्डर्स एज टू द कॉस्ट। तो जहां तक बात है इनकम टैक्स की अपील की, वो यहाँ पे खत्म कर दी जाती है, पर ये मना नहीं किया जा रहा। एनसीएलटी कहता है ये अब उनके ऊपर है, विच इज डिपार्टमेंट के ऊपर है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर है कि वो चाहे तो और किसी फोरम में जाएं और अपनी बात कहें, पर जहां तक कंपनी को रीइंस्टेट करने की बात है, जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है जिसका नाम नेक्सस मार्केटिंग है, उसकी सिचुएशन वही रहेगी, तो ये जो अपील थी डिस्कार्ड करी जाती है या डिसमिस करी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट थे वो यहाँ पे अब कंप्लीट होते हैं। मैं आपसे दोबारा बहुत ही जल्दी मिलूंगा और जो दूसरे चैप्टर्स हैं एक एक करके सेकंड चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज फर्स्ट के अमेंडमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो अमेंडमेंट है वो अब मैं स्टार्ट करूंगा कुछ ही देर के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ में आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्रक्स जो मैं कहता हूँ, बाकी तो आप सुन ही रहे हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ सुनने का खेल है और उसको अपने वर्ड्स में सही तरीके से लिखने का खेल है। कुछ भी ऐसा भी मत लिखना जो बाद में खुद ही समझना आए कि क्या लिखा है ना जल्दीबाजी में, तो सुने उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखें। अगर मेरा क्रक्स आपने समझ लिया, बिकॉज उसके पीछे भले आपको लगता है सब दो या तीन मिनट बोलते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो उसको सुन के आप लिखें, आई थिंक दैट इज द की टू सक्सेस इन दिस सब्जेक्ट। बाकी तो हर चीज एक एक लाइन हम लोग मैं आपको बताएगा। So thank you so much once again. I will see you with the another chapter. Till then, take care of yourself. For CS professional, all subjects under one roof. Shantanu Bhandari classes. Thank you.